महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 18वां अध्याय का महात्म्य सुने। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्क राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौओं में कपिला कामधेनु गौ, जैसे सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, तिसका फल सुने। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य किया करती थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को परखत लाए और सब देवताओं के सामने इंद्र से कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। ये सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया, उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरु जी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे ये इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञ दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कूप नहीं खुदवाए, किसी को अभयदान नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछे। तब राजा इंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मादिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए, जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामिन, दास सहायक भक्त रक्षक, आपके चार परख दो ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्रासन से उठा उसको बैठा दिया है। मैं नहीं जानता उसने कौन पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, तब इंद्रासन का अधिकारी आपने किया है, इसने एक यज्ञ भी नहीं किया, ये मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य कर, इसने बड़ा उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रही थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदो, तुम इसको पहले जाकर इंद्रलोक भुगवाओ, जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सयुज मुक्ति को पहुंचावो। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठा कर दो और कहा, इंद्रलोक के सुख को भोगो, कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सयुज मुक्ति देकर बैकुंठ का अधिकारी किया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, शिव जी कहे हैं, हे पार्वती जी, ये 18वें अध्याय का महात्म्य है।